नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवाते हैं। शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस ने मांगी मदद। यूपी पुलिस ने 7 राज्यों से मदद मांगी है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली पुलिस को शेयर की गई है डिटेल्स। यूपी पुलिस को शूटर्स के इन राज्य में होने की आशंका है। तो फिलहाल महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली पुलिस को डिटेल्स जो है शेयर की गई है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रही है। रवि इस वक्त संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी दीजिए, यूपी पुलिस ने अन्य राज्यों से भी मदद मांगी है, अन्य राज्यों की पुलिस को भी एक्टिव रहने के लिए कहा गया। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अभी तक जो पुलिस है वो सभी आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। पुलिस के खाली हाथ है, करीब करीब एक महीना पूरा होने को। अब ऐसे में उमेश पाल हत्याकांड के जो भी शूटर हैं, जो भी आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो प्रयागराज पुलिस है उसने 7 राज्यों से मदद मांगी है। महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड है, पंजाब और फिलहाल दिल्ली पुलिस को भी जो पूरी डिटेल है फोटो के साथ में वो भेजी गई। जो भी सभी शूटर है उन सभी की डिटेल है वो भेजी गई है और उनसे मदद मांगी गई है कि कहीं उनके राज्यों में अगर इस शक्ल सूरत का अगर कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस को जानकारी में आता है तो पुलिस उससे साझा करे। और उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित सारे लोगों की डिटेल है और इसी को लेकर ही जो सारी जानकारी है, विवरण है, वो सभी राज्यों को भेजा गया है। यानी कि उनकी पुलिस के जरिए अब इन शूटरों से जो भी आरोपी उन तक पुलिस पहुंच सके, इसके लिए अब लगातार कोशिशें वो की जा रही है। और आपको बता दें कि जो सभी जो टीमें हैं जो इस पूरे मामले में लगी हुई हैं और उनको इन राज्यों में छुपे होने की जो सूचनाएँ मिल रही हैं, वहीं आपको बता दें कि जो पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अगर बातें माने तो लगातार जो शूटर्स हैं वो लगातार अपनी लोकेशन वो बदल रहे हैं। और जानकारी ये भी मिली है कि व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं आपसी बातचीत में, जिसकी वजह से पुलिस इनकी नेटवर्क को नहीं तोड़ पा रही है। हालांकि कुछ लोग जरूर पकड़े गए हैं लेकिन अभी भी कई सारे लोग बाकी हुए हैं इस मामले जुड़े हुए, शूटर से असद की बात, गुड्डू मुस्लिम की बात। रवि, लेकिन अभी तक कौन कौन सी लोकेशन जो है वो पुलिस को मिली है इन लोगों की? देखिए, अगर शुरुआती दौर की बात करें तो शुरुआती दौर में नेपाल में भागने की खबरें आ रही थी और उसको भी लेकर एसटीएफ की टीमें वहां पर पहुंची थी। हालांकि लेकिन टीमों खाली हाथ आना पड़ा। हालांकि मददगार को जरूर पुलिस टीम ने पकड़ा था। वही उसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में छुपे होने की खबर थी। उसके बाद फिर गुड्डू मुस्लिम की कई लोकेशन अलग अलग जगहों पर मिली, जिस तरीके से उसका लखनऊ में का जो उसका फ्लैट था वहां पर उसके आईफोन के मिलने की खबर थी। हालांकि वो घटना से बचने के लिए यानी गुमराह करने के लिए वो फोन वहां छोड़ा गया था, जो कि जानकारियां बाद में जांच के दौरान मिली। अलग अलग जगह पर चाहे गुजरात हो या महाराष्ट्र, उसके अलावा कई राज्य हैं जहां पर उनके छुपे होने की खबर थी। हालांकि सभी राज्यों से क्योंकि वो किसी घर में या कहीं भी ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहाँ तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि सभी राज्यों को में खोज पाना मुश्किल होगा। ऐसे में उन राज्यों से पुलिस ने मदद मांगी है ताकि ये सभी आरोपी है उसकी डिटेल है वो सारी सभी राज्यों की पुलिस को सौंपी गई है, ताकि उसके जरिए जो है वो पहचान लोगों की हो सके। और अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो प्रयागराज पुलिस से इसको साझा किया जाए और ताकि इस पर मामले जुड़े जो भी आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में हो। ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल यूपी पुलिस ने 7 राज्यों से जो है वो मदद मांगी है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको इस वक्त रूबरू करवा रहे हैं। यूपी पुलिस को शूटर्स के कुछ राज्यों में होने की संभावना, आशंका जता रही है यूपी पुलिस। ऐसे में उन राज्यों की पुलिस को भी एक्टिव रहने के लिए कहा गया है, उनसे मदद मांगी है। बाकायदा जो आरोपी है उनकी फोटोग्राफ्स जो है लोगों को भेज दी गई है।